डीआईजी एसएसयू इस वक्त मकसूद मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी काविश है, इनकी टीम की काविश है कि ये आज इवेंट यहाँ पर सक्सेसफुली एंड की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और मकसूद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, शूटिंग का एक इवेंट और एक बड़े लेवल पे जो इस वक्त दुनिया में जियो सुपर पर देखा जा रहा है, क्या तासुरात हैं? आपने सुबह से विटनेस कर रहे हैं कि ये एक अलग लेवल का इवेंट है। इसमें जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं वही हिस्सा ले सकते हैं। नॉर्मली हर एक को वेपन रखने का शौक़ होता है और मगर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पे उसको ट्राई करें और अपनी स्किल्स को आजमाएं। मगर हमने ये जब अपनी टीम बाहर भेजी इस तरह के शूटिंग के इवेंट पे, तो जो वहाँ से वो लर्न करके आए उस चीज़ को हमने यहाँ पे कॉपी किया। और जितने भी हमारे पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविल हो, आर्म और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबको हमने इन्वाइट किया, सब ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसकी सक्सेस आप देख रहे हैं कि जो लास्ट ईयर था उससे डबल पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये इसकी जो जियो सुपर की वजह से, आई एम थैंकफुल टू जियो सुपर की टीम कि उनकी वजह से ये पूरी दुनिया में इसको टेलीकास्ट करवा सकें और सबको, सबके लिए अवेयरनेस है कि वेपन की सेफ्टी क्या होती है और उसको हम किस तरीके से बेहतर तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इट्स द फ्रेंडली इवेंट और एक तो स्किल्स का टेस्ट है, दूसरा ये कि इस कॉमरेडशिप तमाम डिपार्टमेंट्स के दोस्त जो हैं अफसर जवान मिलते हैं यहाँ पे, और हमारे सीनियर पुलिस के और पाकिस्तान आर्मी के जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, नेवी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो एक फ्रेंडली कॉमरेडशिप है इसको प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज है कि यहाँ के जो सिविल इदारे हैं, आर्म फोर्सेस के इदारे हैं, सारे तैयार हैं। दुश्मन की अगर मेली आँख से देखता है तो ये उसकी तैयारी की हम एक छोटा सा ग्लिम्प्स दिखा रहे हैं। ना सिर्फ यूनिफॉर्म वाले बल्कि सिविल के भी लोग इसी तरीके से शूटिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं। अच्छा सर, जाहिर है आपने दुश्मनों की बात की और आज 6 सितंबर है, आज एक वो दिन है जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम दिन है और हमारे शहदाओं की कुर्बानी है कि पाकिस्तान आज इस स्टेज पर है। इस दिन पर ये इवेंट होना और इस, ये आप लोगों का ब्रेन चाइल्ड है, इस इवेंट से एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया में जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये एक तो डिफेंस डे के हवाले से जो हमारी शोदा की कुर्बानी है उसको हम भूल नहीं सकते। और जितने लोगों ने भी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, चाहे जिस भी एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं, तमाम इसी नीयत से पहनते हैं कि मुल्क के लिए जान भी देनी पड़े तो उसमें दरीक नहीं करेंगे। तो उस हवाले से आपने देखा होगा कि जो जज्बा है लोगों में, जितने भी लोग यहाँ पे खेलने आए हैं वो उसी तैयारी के साथ आए। जो इंटरनेशनल आपने बात की कि हमारे कराची के अंदर जितने लोग कौंसलेट्स में काम करते हैं या जो फॉरेन के गेस्ट हैं, सबको हमने इनवाइट किया है। रशिया के कौंसल जनरल खुद उन्होंने आके सुबह पार्टिसिपेट किया है और नेवी के बहुत सीनियर कमांड यहाँ पे आई हैं और उनके सीनियर अफसरान ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ये एक पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है और ये दोस्ती का मैसेज है और जो कॉमरेडशिप का मैसेज है तमाम दुनिया देख रही है इसको। और मैं खुद इसको सिंध पुलिस की तरफ से, एसएसयू की तरफ से हम तमाम लोगों को वेलकम करते हैं और मीडिया के दोस्तों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और ये चीज़ तमाम तक पहुँचा रहे हैं, पब्लिक तक, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। सर, आपने दोस्ती की बात की लेकिन अगर आप स्टेज के अंदर जाएं तो वहाँ दोस्ती नहीं है, वहाँ टारगेट पे फोकस है। तो आप खुद भी शूटिंग के शौकीन हैं क्योंकि अभी हमने देखा वहाँ पर आपने शायद ट्राई किया, तो आपकी लीडरशिप को देखते हुए फिर नौजवान और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। बिल्कुल, वेपन का जो है एक स्किल है जो कि उस हर बंदे को आनी चाहिए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, इवन बच्चों को भी। जब मेरी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद थी और उन सबको इस चीज़ के स्किल्स की नॉलेज है और ये आपकी सेल्फ डिफेंस के लिए बेहतर है। जिस तरह हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, तो वेपन हैंडलिंग और शूटिंग भी आपकी एक स्किल है। इसमें ना सिर्फ यंगस्टर्स को बल्कि बच्चों को भी हमें इंकरेज करना चाहिए और हम उनकी सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस और उनकी शूटिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो लोकल इवेंट्स पे भी हिस्सा ले सकें और इंटरनेशनली इवेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म उनके लिए मुहैया हो कि वो आगे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें।
और ये टैक्टिकली बड़ा मुश्किल करार दिया जा रहा है इस शूटिंग कंपटीशन को। तो इन फ्यूचर कुछ सोचा है कि कोई एकेडमी सॉर्ट ऑफ चीज बनाई जाए जहां पर यंगस्टर्स को बाकायदा तौर पे ट्रेन किया जाए, खास तौर पे सिविलियंस को, क्योंकि हम देख रहे हैं सिविलियंस की एक बड़ी तादाद यहां पर इंटरेस्ट लेके मौजूद है। जी बिल्कुल, ये जो हमारी शूटिंग रेंज है सिंध पुलिस की और SSU की, ये लास्ट ईयर भी मैंने अनाउंस किया था कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है शूटिंग का या हमारी रेंज उनके लिए हाजिर है, और हम इसमें जो नए लोग हैं जिनको वेपन हैंडलिंग नहीं आती उसके लिए हम उनकी अवेयरनेस की क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं, और वेपन के हवाले से जो नॉलेज देनी है या जो लाइसेंस के हवाले से उसमें भी हम गाइड कर सकते हैं। तो सिंध पुलिस का एक पब्लिक के लिए एक समझे के पॉजिटिव मैसेज है उनकी सपोर्ट के लिए कि सेल्फ डिफेंस के लिए अगर उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वेपन हैंडलिंग की ज़रूरत है, तो SSU से रब्ता कर सकते हैं और हम उनको उस चीज़ में तैयार कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खबर है। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है लेडीज़ की पार्टिसिपेशन। आप खुद भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, बड़ा अच्छा लगता है लेडीज़ जब एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आती है, वैसे तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में भी कम नज़र आती है लेकिन जब एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आती है तो वो और ज़्यादा इंकरेजिंग हो जाता है। तो बींग ए लीडर ऑफ SSU आप ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कैसे मजीद लेडीज को इनकरेज करेंगे कि वो अगले सीजन में बड़ी तादाद में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए? जी, हमने अभी ये नोट किया है कि जो लास्ट ईयर जितनी पार्टिसिपेशन थी उससे ज़्यादा लेडीज ने पार्टिसिपेट किया है, और जितना लोगों को पता चल रहा है वो आके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसको हम आगे इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे। उसमें जो हमारी जो SSU की टीम है जो कि बाकी इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हिस्सा लेते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, और आगे भी हम इसी तरीके से अपनी टीम को तैयार करेंगे और बाकी लोगों को भी इनकरेज करेंगे कि आएँ इसमें हिस्सा लें। सर, इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की टीम ने अब तक पार्टिसिपेट किया है, इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं कि यहाँ से मजीद ख़ास तौर पे फीमेल की एक टीम बनाकर भेजी जाए इंटरनेशनल इवेंट्स में और वहाँ पर वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें? बिल्कुल, मेल टीम तो हमारी पार्टिसिपेट कर चुकी है। एक इंटरनेशनल इवेंट होता है दुबई स्वाट, उसमें स्वाट की टीम जितनी भी और ग्लोबली इंटरनेशनल टीम्स होते हैं स्वाट की पुलिस की, वो आके हिस्सा लेती हैं। हमारा ये SSU की टीम उसमें हिस्सा ले चुकी है, अभी नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी है, तो हमारी कोशिश होगी कि लेडीज़ की भी हम स्वाट टीम तैयार करें ताकि इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लें और जो शूटिंग कॉम्पिटिशन में उसमें भी हिस्सा लें। अगर आपको मौका मिले तो हमारी जो लेडी चैम्पियंस हैं उनसे ज़रूर आप इंटरव्यू लीजिएगा, उनकी स्ट्रगल का उनसे पूछिएगा कि गाँव की लड़की जिसने गाँव से बाहर कदम नहीं रखा वो SSU में भर्ती हुई, SSU में वो कमांडो की ट्रेनिंग उसने की अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ, और उसी तरीके से ट्रेनिंग से निकल के उसने शूटिंग में हिस्सा लिया और चैंपियन भी बनी। तो आप उस चैंपियंस का भी ज़रूर इंट्रोडक्शन करवाएगा ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और मोटिवेशन हो। बिल्कुल सर, हम उन तमाम लोगों को प्रमोट करेंगे जियो सुपर पे जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, खासकर फीमेल, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़खर है। और आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और इस इवेंट के लिए बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे शूटिंग इस इवेंट के बाद मजीद प्रमोट होगी पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच। ये थे DIG मकसूद मेमन साहब। हम उम्मीद करते हैं ये शूटिंग का इवेंट जो है फ्यूचर में मजीद प्रॉस्पर करें। बैक टू द कॉमेंट्री बॉक्स।